दोस्तों एसके महिला में यूजी सेकेंड सेमेस्टर का ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुका है। सेशन 2023 से 27 का आप लोग यहां पे देख सकते हैं। स्टार्ट 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो यहां पे 25 है, ये डेट बढ़ भी सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। टोटल कितना चार्ज कटेगा वो यहाँ पे आपको लाइव दिखेगा, सेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स लगेगा वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लाइव शेयर करने वाले। और नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पे लॉगिन बटन है, यहाँ पे फॉरगेट है, ठीक है। किस तरह से एडमिशन फॉर्म भरना है उसका वीडियो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है, आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगा, यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर देना है और यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो देना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए यही ये फॉर्म नंबर और कहाँ से निकालना है आपको ये भी हम आपके सामने पेश करते हैं, तो वीडियो पे बने रहें। जब दोस्तों फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराएंगे तो कुछ इस तरह का रसीद आपको मिला होगा, ठीक है, एडमिशन का। तो इस रसीद में यहाँ पे देखिए एक फॉर्म नंबर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म नंबर है। यहाँ पे ये जो फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखा है यही नंबर आपको जो है यहाँ पे भरना है, और जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे भर के आपको लॉग इन कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स भरे हैं, हम लॉग इन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से डिटेल्स खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका मेन होगा वो यहाँ दिखेगा और दो सब्जेक्ट उसका सब्सिडी होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफी दोस्त लोग परेशान रहते हैं कि ये दोनों ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका पहला यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है। और दूसरा में भी जो भी अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे इसका जो भी अच्छा लगा वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कौन सा देना है, यूनिवर्सिटी वाला, वो कहाँ मिलेगा। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है रोल नंबर कम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर देना है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वही रोल नंबर यानी कि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है और सेम रोल नंबर है, दोनों जगह सेम टू सेम भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है अपलोड जैसे ही करिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 200 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एडमिट कार्ड का साइज, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा अपलोड होने के बाद। उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कह रहा है, इस पर फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो भी यहाँ पे स्लिप था वो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिख जाएगा। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए फाइल साइज यहाँ पे इस तरह से रहे, इसी पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम ये भी डिटेल्स कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फोटो को अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से जो भी होगा सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आप फोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, 10 से 20 के भी का होना चाहिए, तो आपको अपलोड कर देना है। चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे एडमिशन चार्ज 220 रुपए, तो ये तो आपको कटेगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों चार्ज भी कटेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए या 23 रुपए कटेगा इस तरह से, ठीक है। तो 320 प्लस 23 जोड़ के जितना होता है उतना कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कटाने के लिए पे वाले बटन पर क्लिक करना है। ऊपर जानकारी को अच्छे से जांच करने के बाद आपको पे वाला बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, आपको यहाँ पे जो भी होगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI नेट बैंकिंग वैलेट, 3 से 4 प्रकार का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे पेमेंट कटाने लगे वो फोन पे से कटाएंगे, तो फोन पे से कटाने के लिए यहाँ पे UPI सिलेक्ट करते हैं, आप भी कुछ इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है, UPI सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे देखिए 100 कोड लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा, आप अपने फोन पे से स्कैन कर लेना है इसको, स्कैन जैसे ही करेंगे इस तरह से आ जाएगा आय के बाद। उसके बाद पे टू प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपका बैंक होगा इस तरह से टिक लग जाएगा, यहाँ पे पर क्लिक करके अपना जो भी पिन है UPI पिन है वो देंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट जैसे ही कटेगा इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल बता देगा फोन पे में। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल में इस तरह से रिडायरेक्ट होना शुरू होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही रिडायरेक्ट होगा, रिडायरेक्ट खत्म होगा, इस तरह से दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों रसीद जो है यहाँ पे रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये डिफॉल्ट है, ये आपका मतलब इसको आपको प्रिंट नहीं करना है, समझना है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर ये सभी दिखेगा, आपको नीचे जाना है,
यहाँ पे देखिए प्रिंट है और क्लोज है, दो ऑप्शन है ना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना है, इस ये रसीद आपको प्रिंट कदापि नहीं करना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, ठीक है, यहाँ क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपको रसीद कौन सा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं फी वाला पेमेंट रसीद, यहाँ पे सबसे पहले ये जो पेमेंट रिसीट है यहाँ पे आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी नाम होगा, वो यहाँ पे करेक्ट करेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इस रसीद को आप प्रिंट करेंगे, पहला ये पेमेंट स्लिप है, इस बात को आपको ध्यान रखना। प्रिंट करने के लिए आप नीचे जाएंगे, इस तरह से प्रिंट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते इस तरह से देखेगा, आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है, अपने मोबाइल में भी सेव कर लेना है। तो फाइनली हम इसको मोबाइल में सेव कर चुके हैं, या जो इसको प्रिंट आउट भी कर चुके हैं। उसके बाद आपको कैंसिल करेंगे, इस तरह से देखेगा, आपको करना क्या ऊपर जाना है, ऊपर में इस तरह से देखेगा, ठीक है, दोबारा से ये पेमेंट रिसिप्ट है। अब आपको एडमिशन रसीद निकालना है, उसके लिए यहाँ पे देखिए एडमिशन रिसिप्ट इस तरह से दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते इस तरह से एडमिशन रसीद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको देख सकते थे इस तरह से दिखेगा, फोटो सिग्नेचर, यहाँ पे सभी आपका डिटेल्स रहेगा। जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे चार्ज वगैरह कितना है टोटली, यहाँ पे सब दिखेगा। आपको यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको भी आपको प्रिंट आउट कर लेना है और सेव भी कर लेना है। इस तरह से आप अपना एडमिशन फॉर्म को बिल्कुल आसान तरीके से भर सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, और आपको बता दें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाएंगे फटाफट, इस तरह से खुलेगा, आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।